की निवेदन करता हूँ, आपके 30-40 साल पहले नायिका की प्रेमिका की प्रशंसा करनी होती थी तो गीत लिखे जाते थे, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो, चांद आफ्ताब सूरज खुदा भगवान, ये हमारे गानों की शब्दावली होती थी। अब स्थितियां कहां तक आ गई है, चार पंक्तियां दिल तक पहुंचे तो बताइएगा, कवि को थोड़ा ताली बजा के सुना जाता है जहां बात दिल तक पहुंचे, कि शिष्टता ने एडवांस पेमेंट मत करवा, पहले माल देखो पैकिंग पे ताली मत बजाओ मेरे पास। शिष्टता, शालीनता, संस्कार और शर्म चार से, शिष्टता, शालीनता, संस्कार और शर्म पाश्चात्य के प्रभाव से धीरे धीरे खोती जा रही है, और जो नायिका कभी चौदहवीं का चांद हुआ करती थी अब झंडोबाम होती जा रही है। शिक्षा को प्रणाम करता हूँ, एक मन की कविता सुनाना चाहता हूँ, कन्या भ्रूण संरक्षण एक जिम्मेदारी की कविता से, 3 मिनट की कविता, जरूरी गंभीर बातें इसलिए भी जरूरी है, किसी बड़े शायर ने कहा है कि जरूरी नहीं कि नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं, जरूरी नहीं कि नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी सुनहरे ख्वाब होते हैं, और जरूरी नहीं कि रोते हुए नैनों से ही अश्कों की धारा निकले। मुसलमान की जुबान है ये, ईसाई की जुबान है ये, यहूदियों की जुबान है ये, सिखों की जुबान है ये, मारवाड़ियों की जुबान है ये, मराठियों की जुबान है ये, गुजरातियों की जुबान है ये, आसामियों की जुबान है ये, मणिपुरियों की जुबान है ये, कश्मीरियों की जुबान है, और पता नहीं कितनी जुबानों में हमने ना कि सिर्फ इंसान को, इंसानियत को, बल्कि जुबान को भी बांट के रख दिया, और उसी की शिकार ये उर्दू जुबान है, उसी की शिकार ये उर्दू जुबान है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसे शायरों का जिन्होंने इस जुबान को जिंदा रखा है। कल ही आपके और हमारे बीच में से आली जनाब शोहरा मोहतरम नक्श लायलपुरी साहब जो है इंतकाल कर गए, और ऐसे कई और शायर हैं जो मुसलमान नहीं थे या नहीं है, आपके हमारे बीच में हिंदुस्तानी साहब बैठे हैं, देवदत्त साहब यहां थे। ये जुबान इस मुल्क की मिल्कियत है, जिस पे हमको फक्र होना चाहिए, जिस पे हमको गर्व होना चाहिए, तो हमने उसको तकसीम करके रखा हुआ है। मैं इसीलिए हमारे कई दोस्त यहाँ पर, हिंदू दोस्त यहाँ पर आज मौजूद है, मुशायरे में बहुत कम हिंदू दोस्त हमारे आते हैं, जिनको शेर शायरी पसंद होती है शायद उतने ही चंद लोग आते हैं, मगर यहाँ के इस मजमे में कई हजार हमारे हिंदू दोस्त यहाँ मौजूद है। शेर शायरी ये प्यार मोहब्बत एकजहती का मैसेज संदेशा देने वाला एक कल्चर है, आर्ट है, कला है।